20 किलो का झोले लेके मैं चल रहा हूँ ना, तो और चलने में हालत ख़राब हो रही है यार, डर लगती है ऐसे जगह पे। ये देखो पानी लाने गया था, तो पूरा चारों तरफ सुनसान है ना, एक अजीब सा फीलिंग आती है। गाइस यार, तो हम पहुंच चुके हैं अपने कैंपिंग लोकेशन के पास, और यहाँ पे आज मैं कैंपिंग करने वाला हूँ, वो भी मक्के के खेतों के बीच में। तो लोग कैंपिंग करते हैं जंगल में, पहाड़ पे, झरने के पास, नदी किनारे, तो मैं आज कैंपिंग करने वाला हूँ मक्के के खेत में, और हम चलेंगे मक्के के खेतों के एकदम बीच में। तो अपनी बाइक साथ में, लेकिन बाइक पूरी खेतों के बीच में नहीं जा सकती, तो बाइक यहीं पर रहने वाली है, और अपने सेफ्टी के साथ मैं चलता हूँ बाइक को लॉक करके। भाई लोग, तो ये देखो पूरा मक्का का खेत है, और शायद थंबनेल में लाहौर का खेत लगे या मक्का का, भी कोशिश कर रहा हूँ कि मक्का का खेत के साथ थंबनेल हो। बाकी आगे चल रहे हैं, इधर कहीं जगह नहीं दिख रहा है कि मैं टेंट सेट कर पाऊँ, तो देखता हूँ आगे चल के। शायद ये मक्के ना, सिर्फ मक्के नहीं है, इसमें लाहौर भी दिया गया है साथ में, तो आगे चलते हैं। मैं ना इसका, इस खेत का बॉर्डर खोज रहा हूँ। 20 किलो का झोले लेके मैं चल रहा हूँ ना, तो और चलने में हालत ख़राब हो रही है। यहाँ पे थोड़ा खाली जगह दिखाई दिया है, हाँ, यहाँ पे खाली है, लेकिन ये देखो उधर हमें आगे चल, देखता हूँ मैं, चेक कर लेता हूँ ना। ओ भाई साहब, इधर तो आगे एक जगह है, तो मैं देख के आया अभी, जगह ठीक ठाक है, वहाँ पे हम कैंप सेट कर सकते हैं। बाकी इसमें चलते हैं यार, डर लगती है ऐसे जगह पे। तो भाई लोग, यहाँ पे सही जगह, यहाँ पे पानी भी नहीं जमा, बारिश का टाइम है, तो अभी जस्ट बारिश हुई, रात में बारिश हो सकती है, पूरी बारिश का मौसम है, तो यहाँ पे हम टेंट लगाते हैं फटाफट, अपना तैयारी करते हैं सारा चीज़ का। तो यहाँ पे जगह सही है, लेकिन पीछे चढ़ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाली, घना जंगल, जंगल नहीं है, खेत है, खेत में लाहर और मक्का दोनों मिक्स है, एक साथ लगा हुआ। चैन बंद रखना चाहिए हमेशा, क्योंकि कभी भी कुछ भी अंदर घुस सकते हैं। लोग, तो मैं दरवाजा इस साइड रखने वाला हूँ, बिकॉज इधर सरफेस थोड़ा नीचा है।
फाइनली अपना कैंप लग गया है। इसके ऊपर मैं कवर ढक देता हूँ वाटर प्रूफिंग के लिए, क्योंकि बारिश का कभी भी संभावना है। ठीक है, भाई साहब तो इधर मैं गया था, बहुत शाम हो गई यार, पूरी कितने टाइम हो, मतलब 6 या 7 बजने वाले होंगे, मैं देखा नहीं हूँ टाइम। अब बाकी मैं ये देखो पानी लाने गया था, और हाँ यहाँ पे थोड़ा सही जगह है, अब आगे चलते हैं। ये देखो घास से, हाँ अभी इधर पास में ही एक कुआँ है, वहीं से मैं पानी लाने गया था, उसी में शाम हो गई है। चलो फटाफट से, ओ आराम आराम से, इधर ना स्पीड चलना आपके लिए खतरा हो सकता है, नीचे देख कर चलना पड़ता है ना। अब बाकी टेंट में लाइट भी जलानी है, बत्ती भी मैंने नहीं जलाया है। तो भाई लोग यहाँ पे अपने देख सकते हो, ये टेंट रही अपनी, और ये बाहर लाइट, एक अंदर भी मैंने लाइट एक सेटअप कर रखा है, और बाकी ये पूरी यहाँ देख सकते हो शाम का माहौल, मतलब शाम क्या रात हो चुकी है। बाकी यार यहाँ बस कैंपिंग में आए हो मक्के के खेत में, तो मक्का का कुछ तो मैं सबसे पहले मक्के का मैं हरे हरी वाली तोड़ के लाता हूँ, और मक्के का मस्का के साथ चाय बनाऊँगा एकदम गर्मा गर्म, और नाश्ते करते हैं, उसके बाद फिर रात्रि का भोजन बनाया जाएगा। तो फटाफट से मैं चलता हूँ, मकई हरी वाली मकई को ले आता हूँ। और यहाँ पे एक मक्के और हरे दिख रहे हैं, लेकिन पता नहीं अंदर से कैसी निकलती है। चलो इसे भी मैं करता हूँ, ओहो चलो काफ़ी है 3 मक्के, आई होप कच्चा निकले, मतलब हरा निकले, मक्का खिंचा हो नंबर। तो एक है, ये दोनों एकदम एक नंबर के मक्के है, खाने में मज़ा आ जाएगी। बाकी ये दो है ना, ये दो देख सकते हो, दोनों का आप देख लो, ये पूरी पिल्ला है, ये उजले है, तो इससे काम चलेगा। ठीक ना, चलो ये मैं अभी निकालता हूँ 3 मक्के, ये वाली बड़ी साइज वाली कैसे साइड में रखते हैं, इसे ले चलेंगे घर पे। ठीक ना, तो ये रही अपने मक्के के दाने। भाई लोग तो ये जो है ना, ये मकई का मस्का है, ये भुंजा नहीं है, भुंजा होता है ना जब मकई सूख जाती है तो। और ये बनाना कोई भाई, बस थोड़ा सा ऑयल डालना है, नमक डालना है, मिर्चा डालना है बस। भाई साहब तो अपना मस्का रेडी है, मैं बहुत सारा खा भी गया यार, इतना अभी बचा हुआ है, और मैं इसे टेस्ट करके आपको बताता हूँ कैसा लग रही है। टेस्ट तो मैं पहले कर लिया था, खा भी लिया था, वीडियो बनाना जरूरी है ना। तो एकदम मीठे लग रहे हैं मकई खाने में ना, एकदम मतलब अंदर जाने के बाद ना पूरा एकदम मीठा फील हो रहा है। और जो मक्का एक तो हार्ड वाली थी ना, तो बीच में आ रही है वो नहीं आते ना, फिर तो एकदम एक नंबर। भाई साहब तो पहले मैं पानी में चाय बना रहा था, लेकिन पता चला कि दूध ढेर सारे हैं, तो मैं फिर सिर्फ दूध का चाय बना रहा हूँ, उसमें गाइस अभी मैं मीठे को डाल रहा हूँ। देखो भाई साहब यहाँ एक पोपट हो गई, पता नहीं मेरे को घर से आदेश मिला था कि दूध गर्म करना है, उसके बाद मीठा डालना है, लेकिन मैंने वैसे ही किया चाय बनाने के लिए, तो पता नहीं कहाँ गलती हो गई, इससे दूध फट गई है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो मैं अब चाय नहीं बना रहा हूँ, वैसे भी इतने सारे दूध है ना, तो मैं इसी को मैं पीने वाला हूँ, ऐसे ही पीऊँगा, तो बस अब इसी तरह काम चलाते हैं। वैसे भी ज़्यादा चाय पीना नुकसानदायक है, तो मैं इतना सारा बस दूध उठाऊँगा कटोरे से और पीऊँगा, नहीं गिलास में पीऊँगा, कटोरे से नहीं पीऊँगा। ठीक है भाई साहब, तो मैं टेंट के बाहर आया हूँ अभी, इधर ना थोड़ी ठंडी लग रही है, और टेंट के अंदर ना गर्मी वाली फील आ रही थी, और डर से भी लगता है, गर्मी ज़्यादा लगती है यार इधर, तो पूरा चारों तरफ सुनसान है ना, एक अजीब सा फीलिंग आती है, फिर भी
क्या करें, अच्छा लगता है सब करने में। और मैं देखो इधर मकई ये ना, ये देखो चाय, अपना चाय नहीं है, दूध है, इसमें बस मीठा मिल गया है ना, बहुत टेस्टी लग रहा है। पीने में ना यार सच में बहुत मज़ा आ रहा है, इतना सारा चाय बनाते हैं ना, एक गिलास पहले पी लिया हूँ, एक गिलास और पी रहा हूँ, इतना सारा चाय बनाते हैं ना हालत ख़राब हो जाती है। मैं फिर फेंक ही देता क्योंकि उतने सारे चाय कौन पीता है, ठीक हुआ फट गया, नहीं तो मैं चाय बनाने वाला था। फतिंगा हो जाएगा, भाई साहब ये बाहर पूरी अंधेरी है और ये अपना लाइट भी ना चला गया, लो हो गई एक लाइट अपना टेंट के अंदर वाला, ये लाइट बची हुई है लेफ्ट। अब बाकी अपना चॉपिंग इधर कंप्लीट है, लहसुन ये सब रहता तो और मज़ा आता, कोई बात नहीं अपना बाहर का नज़ारा। बाकी इतना प्याज, कच्चा प्याज खाने के लिए अपना, भाई साहब तो इसके अंदर मैं अंडे डाल दिया हूँ तो पक रही है और वीडियो नहीं हो पाई, मैं वीडियो बनाया था लेकिन वीडियो स्टार्ट ही नहीं किया था, तो चलो कोई बात नहीं, आप लोग हमें माफ़ करना। ओ भाई ये रही, अब मैं देखूँ भाई सट गई, जली नहीं ना, हाँ जली तो नहीं है, बस सट गई है। ये रही अपनी मैगी गर्मा गर्म, जली नहीं है ना, नहीं ठीक है, बोतल में साइड कर दो एक बार। ये रही मैगी अपनी, खाने में मस्त लग रहा है। लाजवाब, देखो अंडे, कुकुम्बर, मांस। भाई लोग तो अपना बेड रेडी है और अपनी बाइक लगी हुई है, तो ये मक्के के खेत के बाहर लगी हुई है और मेरे में इतना हिम्मत नहीं है कि मैं अभी बाइक को देखने जाऊँ। अकेले होने के बाद ना थोड़ा अजीब सा फीलिंग आती है, अगर दो लोग भी होते ना तो फिर उतना डर नहीं लगता, लेकिन चलो अपना ज़्यादा सोचेंगे नहीं, थोड़ा फ़ोन चलाएंगे अभी और सो जाते हैं तो आराम से। मैं अपना इधर कर लिया हूँ, पीछे जो झोला बैग लाया हूँ ना उसी में सोता हूँ आराम से। भाई यार नीचे से ना ये थोड़ी मैं गलती कर दी, मैंने कोई बेड नहीं लाया सही वैसे, और नीचे जो है ना तो बारिश हुई है, तो अभी तो बारिश नहीं हुई है रात भर, अभी मतलब एक या 1:25 एक दो के बीच में है, या मैं देखा टाइम वही 1:25 होगी, तो यहाँ पे देख सकते हो ये ना बहुत ठंडी है। और वैसे मैंने नीचे में गमछे बिछा रखा हुआ, बाकी ये मैं लपेट रखा था, तो थोड़ी सा ठंडी फील आ रही है नीचे से, लेकिन ठीक है
उतना भी मतलब ठंडी नहीं लग रही मेरे को, यहाँ तक कि गर्मी ही लग रही है, लेकिन थोड़ा सा नीचे से ना अजीब सा लग रहा है। बाकी सब ठीक है, अभी तक मेरे को ना डर नहीं लगा है, और अकेला होने के बाद थोड़ा सा तो डर लगता है। और चलो खुद को बिलीव करना है खुद पर। चलो फिर से सोता है, फिर से गुड नाइट आप सबको, हम मिलते हैं सुबह, एक अच्छे नींद आ जाए, बस आप कामना करना। तो भाई सब सुबह हो गया है, और अगल बगल से ना एक कीड़े मकोड़े की यार आवाज़ ना रात में नहीं आ रही थी उतनी, क्योंकि टिप टाप बारिश हो रही थी, अभी आ रही थी इसलिए मैं बात करने लगा। और बाकी है ना फ़ोन में यार मेरे को थोड़ा लिक्विड चला गया USB पोर्ट में, तो मैं रात को भी बाहर शूट नहीं कर पा रहा था, और मैं चाहता भी नहीं था कि मैं रात को शूट करूँ। जैसे बारिश हो रही है ना, फ़ोन वाटर प्रूफ नहीं है ना यार, IP68 वाले फ़ोन होते ना मज़ा आ जाती फिर तो। यहाँ के एक नज़ारे आप चेक करो, ये देखो इधर तो घने अरहर के साथ मक्के हैं लाहर, और इस खेत में थोड़े कम घने हैं, इसलिए तो मेरे को जगह भी मिल गया यहाँ पे। बाकी ट्राइपॉड सब सारा ठीक है, इधर पूरी मक्के का खेत है, इधर ना पूरा दूर तक आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना पूरा मक्के का खेत, यहाँ से देखो इस खेत में मक्के वहाँ तक, मतलब ओ वाले तार का पेड़ है ना, पोल है, पोल के उधर वाले सीधा दिख रही है एकदम, पता नहीं अभी अंधेरा टाइप का है तो सही से दिख रही है नहीं, तो देखते हैं। अभी एक घंटा और सोने का मन गया तो अभी सोते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। इसमें USB पोर्ट में पता नहीं थोड़ा लिक्विड चला गया है, उसी टाइम मैं देखा नहीं, अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रखा है, तो मैं उसे अभी थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। अभी चार्ज सब नहीं लगाना है फ़ोन, तो मैं थोड़ा खिला लूँ फ़ोन को ताकि थोड़ा पानी में निकल जाए। भाई लोग तो सुबह हो गया है 6:40, तो अब यहाँ से निकलते हैं, तो सबसे पहले कैंप होल्ड करते हैं अपना। बाकी सूर्य भगवान निकले हैं और थोड़े बादल के हुए हैं तो सही से नहीं निकले हैं, तो यहाँ से चलते हैं फटाक से। थोड़ी कैंप गिल्ली है तो यहाँ पे मैं सुखा भी नहीं सकता, तो घर पे ही सुखाएंगे, तो चलते हैं उससे पहले कैंप होल्ड करते हैं। भाई यार तो यहाँ ना पूरा गीला हो, लेकिन फिर भी शुक्रिया टेंट को, थैंक सो मच कि यहाँ पे एक भी पानी अंदर नहीं आया था। बाकी नीचे आप चेक कर सकते हो इस जगह को आप चेक कर सकते हो, पूरी गीला हो रखी है एकदम, यहाँ ना मट्टी ना पूरी धस रही है पैर से।